खबरों की करते हैं शुरुआत रंग गुलाल और धमाल यानी होली के साथ। होली का उल्लास, धुलंडी पर धमाल, खूब उड़ रही गुलाल, जमकर बरस रहा रंग चंद की थाप के साथ, फाग और हर किसी पर चढ़ रहा है होली का रंग, क्योंकि आज होली है, धुलंडी है और ऐसे में हर जगह जो है होली का रंग नजर आ रहा है। गुलाल से लोग खेल रहे हैं, लाल, पीले, हरे, नीले, और खास तौर पर अगर गोविंद देव जी की बात करें या ठाकुर जी की बात करें तो उन पर लाल, पीले ये रंग चढ़ाए जाते हैं, उन पर हरा रंग चढ़ाया जाता है, गुलाबी रंग चढ़ाया जाता है, ये पांच रंग जिनसे उनको सजाया जाता है। और साथ ही साथ वृंदावन की अगर बात करें, मथुरा की बात करें, वहाँ पर होली खेलने के लिए देश भर से श्रद्धालु आते हैं, ठाकुर जी के साथ, कन्हैया के साथ होली खेलने के लिए देश भर से लोग पहुँचते हैं। होली का त्यौहार ऐसा त्यौहार जो सौहार्द का ये त्यौहार कहा जाता है, जहाँ धर्म, जाति, इन सब से हटकर सभी इस रंगों के त्यौहार को खेलते हैं, क्योंकि ये रंग जो है हमारी ज़िंदगी में हर्षोल्लास भरते हैं, खुशियां भरते हैं, ये रंग हमें पॉजिटिव करते हैं, सकारात्मकता भरते हैं। और ऐसे समय में जब कोरोना काल निकला है तब ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर कल होलिका दहन की ही बात कर ली तो 2 साल बाद ऐसा समय आया जब लोग जो है होलिका दहन के लिए बाहर निकले और एक भारी भीड़ नज़र आई हर जगह पर, क्योंकि ये त्यौहार हमारे महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी आस्था है, और इस आस्था से जुड़ी हुई ये तस्वीर आपको दिखा रही है, जहां एक तरफ मंदिर में रंग गुलाल अबीर भगवान को लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हर जगह सद्भाव दिखाई दे रहा है, एक माहौल दिखाई दे रहा है जहां पर सब लोग मिलकर होली खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये पर्व है ही ऐसा, जब मंदिर हो या फिर लोग घर से बाहर निकल के एक दूसरे के साथ रंग लगाकर, गुलाल उड़ाकर होली खेलते नज़र आते हैं। तो आज का दिन बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि कल होलिका दहन हुआ, रात को 9:02 से ये मुहूर्त था, और जैसे ही ये मुहूर्त था वैसे ही होलिका दहन होना भी शुरू हो गया था, और लोग जो भारी संख्या में बाहर निकले थे, और क्योंकि अब कोरोना काल के बाद ऐसा पहला होली का त्यौहार आया है, ऐसा पहली बार हुआ है जब होली आई है और इतना बड़ा त्यौहार आया है, तो लोग इस त्यौहार पर जमकर मस्ती करना चाहते हैं, और वो इसलिए कि जो 2 साल की कसर है वो अब पूरी हो जाए, 2 साल जो हमने निकाले नेगेटिविटी में या कोरोना के साथ, वो 2 साल अब ख़त्म हुए हैं और एक बार फिर से हम बिना पाबंदियों के होली मना पा रहे हैं, अपने त्यौहार मना पा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होली और दिवाली हिंदू संस्कृति में होते हैं, और अब जब होली आ गई है, ये रंगों का पर्व आ गया है, तो ना सिर्फ छोटी काशी, वृंदावन, मथुरा, हर जगह पर रंग गुलाल नज़र आ रहा है। गोविंद देव जी के मंदिर की अगर आपको बात कर ले, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम लगातार हर दिन, तो किस तरह से होली वहां पर खेली जा रही है, रंग गुलाल उड़ाया जा रहा है, और ठाकुर जी को क्योंकि ये पांच रंग जो लाल, गुलाबी, हरा, पीला, इनकी बात की, ये रंग बहुत पसंद होते हैं और लंबे समय से ये पांच रंग लगाकर ही उनके साथ उनको सजाया जाता है, प्रेम का प्रतीक ये माना जाता है, रंगों को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, और इसीलिए जब सदियों से ये होली खेली जा रही है तो चाहे आपके अपने हों चाहे दुश्मन हों, सबको अपना बनाने की एक कोशिश होती है, ये त्यौहार होता है जब रंग लगा के सारी बुराइयाँ भूलकर, सारी दुश्मनी भूलकर एक दूसरे को गले लगाया जाता है। और ये आपको अयोध्या, उज्जैन दोनों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ना सिर्फ कन्हैया के साथ होली खेली गई बल्कि उज्जैन में भी महाकालेश्वर में ये होली खेली गई, और भगवान शिव को किस तरह से यहाँ पर रंग लगाया गया है, सजाया गया रंगों के साथ, वो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एकता की भावना रख करके, और जब भी कोई भी यहाँ पर उत्सव हुआ है वो आए हैं, हम इनके यहाँ जाते हैं, ये हमारे यहाँ आते हैं, तो इस प्रकार से जो भावनाएँ यहाँ अयोध्या की है उसी रूप से सारे देशवासियों को, जैसे हम लोग उत्सव मना रहे हैं, यह होली उत्सव, वैसे दीपावली उत्सव, चाहे जो भी उत्सव होता है,
हम लोग मिलजुल करके मिलाते हैं, बनाते हैं और उसका मनाने का प्रभाव सारे देश में जाता है। तो राजस्थान में किस तरह से होली मनाई जा रही है, सबसे पहले आज आपको जैसलमेर की तस्वीरें दिखाते हैं। सूर्यवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्यवीर, जैसलमेर में सुबह से ही होली का माहौल नजर आ रहा होगा, क्या तस्वीरें आज की हैं, कहां पर आप खड़े हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हैप्पी होली। और जिस तरीके से होली के रंगों में स्वर्णनगरी रात से ही सरोबार है वो दिखना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि होलिका दहन के बाद लगातार जिस तरीके से जगह जगह से गैरों का आयोजन किया गया और लगातार विभिन्न समाजों के गैरों का आयोजन किया गया, लेकिन अब सूर्य की पहली किरण के पड़ने के साथ ही लोगों ने प्रिपरेशन पूरी कर दी है कि आज दिन भर क्या करना है। और सबसे पहले प्रिपरेशन में है दुर्गद्य नगर आराध्य देव लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन करने। मैं इस समय खड़ा हूँ जैसलमेर के सोनार दुर्ग स्थित नगर आराध्य लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में, जहाँ लोग होली की शुरुआत है वहाँ के दर्शन के साथ है वो करना है वो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको दर्शन करवाता हूँ कि किस तरीके से दुर्ग स्थित लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में है। आज सुबह से ही भक्तों का होली के पर्व को लेकर तांता लगा हुआ है, लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, महिलाएं हैं वो यहाँ पर दर्शन करने पहुंची है, पुरुष है यहाँ पर दर्शन करने पहुंची है, और दिन में होली की शुरुआत है वो यहाँ से है, वो यहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि होली का पर्व मुख्य पर्व होता है। और जिस तरीके से सुख संपत्ति वैद्य धन तमाम जो सुख सुविधा है वो कामना करने पहुंचे हैं कि लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में, तो किस तरीके से लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में वो दर्शन करने पहुंचे और यहाँ पर नगर आराध्य देव के किस तरीके से आपको दिखा रहे हैं कि तस्वीरें कि आज होली के पावन पर्व पर है लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर के दर्शन, लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं और जिस तरीके से अपनी जो आगे किस तरीके से होली का पर्व है वो बनाना है वो पूरा देखते हैं, क्योंकि लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और नगर आराध्य मंदिर है, चाहे किसी भी त्योहार हो या हो लोग यहाँ से ही यहाँ से शुरुआत करते हैं कि होली की। और यहाँ पर लगातार महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंच रही है और गाने गा रही है भगवान के प्रति, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अष्टमी के बाद ही होली के जो रंगत है वो दुर्ग स्थित नगर आराध्य देव मंदिर में है, वो जमुना है वो शुरू हो गई थी, लगातार है यहाँ पर होली खेली जा रही थी। अब दिन की शुरुआत के साथ जिससे मंदिर परिसर है वो लगातार भरता जा रहा है, जैसे जैसे लोग उठ रहे हैं किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, वो प्रिपरेशन के बाद जिस तरीके से महिलाएं यहाँ पहुंची है लक्ष्मीनाथ जी के प्रति गाने गा रही है, जिस तरीके से होली के भी गाने हैं वो गाए जा रहे हैं। और कुल मिलाकर स्वर्ण नगरी की अगर बात की जाए तो स्वर्ण नगरी इन दिनों सोने की तरह से चमकती तो है, लेकिन आज पूरी रंग बिरंगी है वो कुल मिलाकर है वो हो जाएगी, कि और होली को लेकर जिस तरीके से तैयारियां हैं वो फुल एंजॉयमेंट है। कई सैलानी है देश से पहुंचे हैं जैसलमेर, क्योंकि इस बार विदेशी सैलानियों की होली कहीं ना कहीं खलेगी और विदेशी सैलानी इस बार है वो जैसलमेर की धरा पर होली बनाने नहीं आए हैं, लेकिन स्वर्णनगरी जैसलमेर में देशी सैलानी काफी संख्या में है वो इन बीते दो दिनों में आए हैं। आज जैसलमेर की स्वर्णनगरी जो है वो पूरी सात रंगी जो जितने भी रंग है उस रंगों में है वो जिस तरीके से रंग जाएगी, और कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो होली का रंग है वो स्वर्ण नगरी में बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। और जिस तरह से नगर आराध्य देव लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, मंदिर परिसर में लोग पहुंच रहे हैं और मंदिर परिसर में है विशेष पूजा अर्चना के बाद होली के जो विधिवत जो आज कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे वो कार्यक्रम है वो लगातार आयोजन किया गया, क्योंकि धुलंडी के दिन जिस तरीके से जगह जगह पर है वो होली का दहन किया गया, चाहे मंदिर पैलेस हो, महारावल चैतन्य राज सिंह जी ने जिस तरीके से होली का दहन के बाद जगह पूरे शहर में होली की रंगत है वो दिखना है वो शुरू हो गई थी। अब धीरे धीरे लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, होली की रंगत है वो दिखनी है वो स्वर्ण नगरी जैसलमेर में है, वो आज के दिन शुरू हो जाएगी। जैसलमेर की ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र देखिये आपके पीछे सूर्यवीर, क्योंकि जहाँ पर भजन चल रहे थे लोग दर्शन करने का सिलसिला भी वहां पर जारी है, जरा अगर आप लोगों से बातचीत कर सके, महिलाओं से बातचीत कर सके तो उनसे जरा पूछेंगे आज वो होली किस तरह से मनाने वाले हैं। और वो इसलिए भी खास है क्योंकि दो साल बाद ये मौका हर किसी को लग रहा है कि वो कोरोना के बाद अच्छे खासे तरीके से बिना पाबंदियों के होली मनाए, तो जरा अगर पूछ सके तो बातचीत करें। जी
बिल्कुल, जिस तरीके से मैं कुछ दर्शनार्थियों से बात करने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से आज होली के दिन में ऐसा होली के आज होली का पर्व है, दर्शन करने सर्वप्रथम पहुंचे हैं तो किस तरीके से उत्साह और उमंग दिखाई दे। इस भगवान ने हमारे को सब कुछ दिया है तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हम अपने इस भगवान के ऊपर का आशीर्वाद लेके कोई भी त्यौहार हो, मेरा जब भी रहता है कभी भी होली हो चाहे दीपावली हो कोई भी पर्व हो, तो सर्वप्रथम जाके हमारे इष्ट देव लक्ष्मीनाथ जी जो सदा हमारे पर लक्ष्मी की वर्षा भी करवाते हैं तो उनके पास आके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। क्योंकि आज कभी हमने अपने कोरोना काल में देखा कि वेंटिलेटर्स की कितनी मारामारी रही और एक एक दिन के लिए लाखों रुपए दिए और मालिक ने हमारे को इतना सब कुछ दिया है और उसके लिए हमारा वो सिर्फ हमसे सिर्फ यही मांगते हैं कि आप हमारे आए दर्शनार्थ, इसके लिए धन्यवाद आपको। इस तरीके से दर्शनार्थी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार जिस तरीके से दुर्ग नगर आराध्य देव लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के दर्शन करने के बाद ही है वो दिन की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि नए नए कपड़े पहन के भी लोग पहुंच रहे हैं और नई उमंग के साथ होली का पर्व बना रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में 2 साल में जिस तरीके से होली का रंग फीका पड़ गया था तो लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में आज मंदिरों के भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो आपको तस्वीरें अंदर की दिखाते हैं कि किस तरीके से मंदिर परिसर में लगातार पूजा अर्चना का दौर है वो लगातार। अच्छा सूर्यवीर, क्योंकि यहाँ अभी भजन तो चल रहे हैं और मंदिर में क्योंकि सबसे पहले क्योंकि हम शुरुआत भी दिन की अपनी ऐसे ही करते हैं कि जब रंग खेलने जाएंगे तो सबसे पहले भगवान को होली के ये रंग लगाते हैं जिससे वो खुशियां हमारे जीवन में बिखेरते रहे। आज यहाँ क्योंकि इष्ट देव हैं तो ऐसे में कुछ खास कार्यक्रम यहाँ पर नजर आ रहे हैं या आने वाले समय में आज पूरे दिन में होंगे? आज मुख्य कार्यक्रमों की अगर बात की जाए तो लोग दिन की शुरुआत है वो लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर की शुरुआत के साथ ही करते हैं। जैसलमेर में अनूठी ही परंपरा है, कुछ लोगों से बात करते हैं, आज होली का पर्व है, लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में सर्वप्रथम दर्शन करने पहुंचे हैं। जैसलमेर की होली की अगर बात की जाए तो कितनी अनूठी होली है। बहुत बढ़िया होली है, सबसे अच्छी होली है, राजस्थान में सबसे टॉप मनाई जाती है। क्या आज क्या खास आप करने वाले हैं होली के पर्व? आज सबसे एक दूसरे से मेल मिलाप करेंगे, प्रेम भाव से मिलेंगे और रामा समा करेंगे, ये चीज करेंगे। देखिए आप जिस तरीके से लोग नए नए कपड़े पहनते पहन रहे हैं और जिस तरीके से जैसलमेर के मंदिर परिसर में है वो पहुंच रहे हैं और लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर के हैं। चलिए तो लक्ष्मीनाथ जी मंदिर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और धीरे धीरे जो जैसे जैसे सूरज तेज होता जाएगा लालिमा पर आएगा वैसे वैसे होली के रंग चढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यवीर तस्वीरों के लिए।